दोस्तों आज का वीडियो में बताएंगे कि आप कैपकट में से बहुत ही आसानी तरह से इफेक्ट को HD क्वालिटी में कैसे बना सकते हैं बिना किसी ऐप के द्वारा, किसी अन्य ऐप के द्वारा। तो आज हम तो वीडियो को लास्ट में बन रहना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अपने कैपकट को एक VPN से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैपकट को ओपन करके एक प्रोजेक्ट को ले लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट को लेने के बाद मैं इसका इतना पार्ट को यहाँ पर एडिट करने वाला हूँ, तो इसको यहाँ से कट करके डिलीट कर देना है और इसका पीछे के पार्ट को भी यहाँ पर डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देना, ठीक है। जूमिंग करने के बाद यहाँ से मेरा जो ये वीडियो है, वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, फ़िल्टर का। फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से एक सबसे पहले तो यहाँ पर एडजस्ट कर लें, ठीक है। एडजस्ट कर ब्राइटनेस को यहाँ पर आपको थोड़ा सा 8 पे रख देना है और कॉन्ट्रास्टेंट को यहाँ पर थोड़ा सा -11 पे रख कर देना, सैचुरेशन को यहाँ पर 20 पे कर देना, ठीक है। 20 पे करने के बाद यहाँ पर एक्सपोजर को भी यहाँ पर 20 कर देना है, 20, और सरफेस को थोड़ा सा इसको 40 पे कर देना, ठीक है। 40 पे करने के बाद यहाँ पर ग्राफिक में आपको यहाँ पर रेड लेना चाहोगे तो यहाँ पर आपको रेड भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर वाइट लेने वाला हूँ, वाइट यहाँ पे आपको वाइट लेकर इसको यहाँ पर अच्छा से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, आपको इतना पर रख देना है। रखने के बाद यहाँ से आपको इसको यहाँ पर शैडो के सबसे लास्ट में आने के बाद, और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में चेन पे आने के बाद इसको 100 कर देना, ठीक है। 100 करने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नाइट सीन्स, ठीक है। नाइट सीन्स पे आने के बाद यहाँ से आपको एक ओरिजिनल ब्लू पे क्लिक करके इसको 11 पे कर देना, ठीक है। 11 करने के बाद मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है। करने के बाद यहाँ पर इसको अब इफेक्ट डालना है, ठीक है। यहाँ पर हमको एक इफेक्ट को अब डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट का, और इफेक्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से ओपनिंग पे आने के बाद यहाँ से एक मिलेगा, नीचे आइएगा, नीचे नीचे ऑप्शन होगा पिक्सल ब्लर, ठीक है। अगर आप ब्लर टाइप के करना चाहोगे तो यहाँ पिक्सल ब्लर पर कर देना है, तो हमको सीधा डायमंड पर ले लेना है, ठीक है। डायमंड पर लेने के बाद यहाँ से इसको क्लिक करके इसको पहले कट कर देना है, ठीक है। दो जगह आपको यहाँ पर कट लगा देना है। लगाने के बाद इफेक्ट जो मैंने यहाँ पर लिया था, उस इफेक्ट को यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद इसको साइज को आपको 50-40 के बीच रख देना, ठीक है। रखने के बाद सेंसिटिविटी को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो। मैं से सेंसिटिविटी को यहाँ पर 54 पर रखता हूँ, और स्पीड को कितना स्पीड में लाना चाहते हो अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। रखने के बाद इसको यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से आपको फिर से वीडियो इफेक्ट पर चले जाना है। वीडियो इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ से नाइट क्लब पर आ जाना है। वो आने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो एक वाइब्रेशन का ऑप्शन आएगा, वाइब्रेशन पर इसको क्लिक कर देना, ठीक है। वाइब्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको एडजस्ट करना है, इसको टिप के इसको एडजस्ट पर क्लिक करके ग्लो को यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है। सेंसिटिविटी को भी यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ से आपको इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, फिर से यहाँ पर इसको इसको छोटा सा यहाँ पर कट दे देना है। छोटा सा कट देने के बाद इस वीडियो को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पर उठा के इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से मेरा जो वीडियो है, मेरा इस प्रकार का बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिला हुआ है, यहाँ पर एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।